नमस्ते मैम। नमस्ते, हाँ जी बताइए। मैम वो आपने आईफोन ऑर्डर करा था तो उसी की डिलीवरी देने आया हूँ। अच्छा हाँ, किया तो था लेकिन इतना टाइम लगता है लाने में। अरे मैम वो रास्ते में ट्रैफिक लगा हुआ था तो उसी वजह से थोड़ा लेट हो गया। अच्छा ठीक है, ये लो मैम। और मैम आप पेमेंट ऑनलाइन करोगे या फिर कैश? मैं कैश ही दूंगी, इतने ज्यादा पैसे मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्ट नहीं कर सकती, इसलिए मैं कैश लेके आ रही हूं। ठीक है मैडम, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। वैसे भी कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर में ऑप्शन था। ये लो भैया पैसे। थैंक यू मैम। अच्छा ठीक है मैम, अब मैं चलता हूँ। अरे भैया पानी पियोगे क्या? आप वैसे भी बहुत इतनी दूर से आए होगे, तो मैं पानी पिला देती हूँ। अरे नहीं नहीं मैम, बस ठीक है। अरे भैया पी लो ना, वैसे भी इतनी धूप हो रही है बाहर, थोड़ा सा पानी पी लोगे तो कुछ चला नहीं जाएगा। चलो ठीक है मैम, अब आप इतना कह रही हो तो एक गिलास पिला दो। आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है मैम। आप पानी पियो, मैं तब तक ना किचन में काम कर रही हूँ, मुझे थोड़ा काम है। ओके थैंक यू मैम। अरे तुम तो बेहोश हो गए थे ना, तो फिर होश में कैसे आए? मैडम बेहोश तो मैं जब होता, जब मैं आपका दिया हुआ पानी पीता। मैडम मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि आप मेरे साथ ऐसा सब कुछ करोगे। पैसे तो मेरे। मैडम एक इंसान पैसों को लेकर कितना नीचे गिर सकता है? आपको तो अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। मैडम आपको कोई जमीर वमीर है या नहीं है? कोई इंसान पैसों के लिए इतना नीचे गिर सकता है? आपके अंदर तो बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है। और मैडम आपने मेरे से ये पैसे तो चुरा लिए थे, लेकिन आपने एक बार भी सोचा कि मेरे पास इतने सारे पैसे आए कहां से? ये सारे पैसे जो मैं सुबह से डिलीवरी कर रहा हूँ ना, उनकी कलेक्शन है, और ये मुझे जाके अपने ऑफिस में शाम में जमा करवाना पड़ता है। और मैडम अगर बाय चांस आप ये पैसे मेरे से चुरा लेते, तो आपने एक बार भी सोचा मैं ये पैसे कंपनी में कैसे भरता? अगर मैं वहां नहीं भरता ना, तो मुझे जॉब से निकाल देते, फिर मैं घर बैठता और मैं अपने घर वालों का पेट कैसे पालता, और ऊपर से मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम और लग जाता। शट अप। और तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया और मैंने तुम्हारे पानी में वो बेहोशी की दवा मिलाई? प्रूफ? मैम मुझे पता था आप एक वुमेन हो और अपना वुमेन कार्ड जरूर खेलोगे, इसलिए जब आप किचन के अंदर पानी में बेहोशी की दवा मिला रहे थे ना, तब मैंने आपकी वीडियो बना ली थी। ये देखो वीडियो। ये वीडियो तुमने कब बनाई? प्लीज इसको डिलीट कर दो ना, अगर किसी ने देख लिया और गलती से ये वीडियो वायरल हो गई तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, मेरी तो जिंदगी खराब हो जाएगी ना। अगर मेरे घर वालों ने ये वीडियो देखी तो मेरी कुछ इज्जत नहीं रहेगी, प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दो। अच्छा मैडम, बात अगर आपकी इज्जत के ऊपर आई तो आपकी इज्जत है और मेरी इज्जत का कुछ नहीं। अगर मेरी कंपनी में पता चलता कि मेरे पास पैसे नहीं है, उन्हें तो यही शक होता ना कि मैंने पैसे चुरा लिए हैं, तो मुझे तो कंपनी से ही निकाल देते, और मेरे घर वाले मेरी इतनी बदनामी करते, मैं तो सड़क पे आ जाता अपनी फैमिली को लेकर।
और मैम अगर मैं अपनी कंपनी बताता कि मेरे साथ ये सब हुआ है तो वो लोग तो मेरे पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते, क्योंकि मैम मैं तो गरीब हूँ, गरीबी चोर होता है हमेशा, और मैम आप अमीर हो, आप पे कोई भी शक नहीं करता। और हाँ मैडम, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं अपने ऊपर कोई भी दाग लगने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास ये वीडियो है, ये वीडियो जाके मैं सबको दिखाऊंगा। देखो मैंने जो किया वो बहुत गलत किया और मुझे अपनी गलती पर पछतावा भी है, प्लीज़ तुम इस वीडियो को डिलीट कर दो, प्लीज़ मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। ठीक है मैडम, बस बस मैंने आपको माफ़ किया। और हाँ मैडम, आप ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं ये वीडियो डिलीट करूँगा, ये वीडियो मेरा आपके खिलाफ प्रूफ है कि आप मेरे साथ क्या क्या कर चुके हो। और मैम अगर आप किसी और डिलीवरी बॉय के साथ ये सब हरकत करोगे ना, तो सामने आके मैं खड़ा रहूँगा और बोलूँगा कि मेरे पास वीडियो, ये मैम झूठ बोल रही है। और हाँ मैडम, आपके करियर के ऊपर बात आई, तो आपका करियर है और हमारा करियर, खैर छोड़ो मैडम, हम गरीबों का करियर ही कहाँ होता है, हम तो ऐसी सड़क पर चलती हुई चींटियाँ हैं। मैडम बहुत हो गया, आप गेट खोलो और मुझे भी जाने दो, मुझे आगे भी डिलीवरी करनी है। ठीक है।